हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? जय श्री राम। और आज मेरा बर्थडे है। वैसे आज ना मॉर्निंग से मुझे किसी ने भी विश नहीं किया है। स्टेटस वगैरह लग गए हैं फ्रेंड्स के और दूसरे रिलेटिव्स के, बट घर में अभी तक मुझे किसी ने विश नहीं किया है। और आज मेरे बर्थडे के साथ साथ मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। तो आज संडे है और संडे को मैं जो पास का हमारे भैरू जी का मंदिर है वहाँ पर हमारा डेली, हमेशा हर संडे हम आते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो बहुत ही पुराना सा मंदिर है, उसको बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करवाया है एक्स्ट्रा। तो ये है पुराना मंदिर, इसका दर्शन मैं आपको भी करवा देती हूँ। हमारा हर संडे को आना होता है, यहाँ पर हम पूजा करते हैं। ये हमारी ये चौथ माता। चलो, किसी ने तो विश नहीं किया बट मैं भगवान का आशीर्वाद लेने आ गई हूँ। संडे भी था तो मिल गया आशीर्वाद। और आज मौसम भी ना थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, मॉर्निंग से तो थोड़ा ठीक ही लग रहा था। हम आए थे तब तो बिल्कुल अच्छा था, और जाते वक्त ना बिल्कुल देखो से बारिश हो गई, धर 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 एक साथ ही बहुत ज्यादा बारिश हो गई है। पता नहीं आज कैसा सीन रहने वाला है, रात भी है या प्लान कर रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है। वैसे ना आज ना कुछ तो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि दीदी ने आज ना मैं मॉर्निंग का खाना बना चुकी हूँ, बट उसके बावजूद अभी उन्होंने चूल्हा जला दिया और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। मेरे लिए सब ऐसा सस्पेंस वाला ही है, बस मुझसे सामान मंगवा रहे हैं कि हाँ ये ला के दे दो, मैंने बनाना है आज खाना। ये देखो हमारी नटू है ना, वो बैठी है आज चूल्हे पे। और ये मैम भी आई हुई है, कुछ तो कर रहे हैं बट मुझे नहीं पता क्या क्या रहे हैं, क्या सीन है। दोनों ने कुछ तो कर ही रहे हैं। पर ना चूल्हे पे बन रहा है ना, तो सारा किचन से सामान ला ला के जो पकड़ाने वाला काम है ना वो मुझे मिला है। जो किचन के अंदर जो भी बर्तन है, वो बर्तन साफ करने का, जो छोटा मोटा आटा लगाने का, प्याज काटने का, और ऐसे जो काम है ना, दो किचन विचन ये सब जो साफ करना है, वो अंदर का काम मुझे मिला है। उन्होंने कहा है कि बाहर आपने बस सामान दे के जाना है, जो भी छोटा मोटा काटने का है वो जो ऐसे है वो वाले काम मुझे। देखो यहाँ पर मैंने ना चावल धो के बॉईल करके उसको धो के और भिगो दिया है। और यहाँ पर दीदी ने ना मुझे वो जो बाफला होता है ना उसका आटा लगाने के लिए बोला। देखो कितना सारा आटा लगा रही है, मुझे नहीं पता कौन कौन आ रहा है, बट इतना तो मैंने सोच लिया, इमेजिन हो गया है कि हाँ भाई इतना सारा आटा लग रहा है, तो मतलब उन्होंने बुलाया तो है किसी को। और लगभग लगभग खाना रेडी होने वाला है, ये बॉईल के लिए बाटी भी बना दी है, बस बॉईल करनी है। सारा काम ना चूल्हे पे हो रहा है, दीदी को पता नहीं क्या सूझा, वो चूल्हे पे ही कर रही है। और यहाँ पर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था ना, मेरे हस्बैंड ने ना बेल बनाई है, ये बाजरे वाली नमकीन होती है ना उसकी, और साथ में चाय बनाई है। और ये देखो अब मुझे लग रहा है कि अब तो पक्का से ना कुछ है ना प्लान थोड़ा बड़ा ही है, क्योंकि ये दीदी भी आ गई ससुराल से। ये छोटी वाली दीदी है, इनको पहली बार अपने ब्लॉग में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपको। आज मम्मी पापा की भी एनिवर्सरी थी तो वो दर्शन करने के लिए चल गए थे, बट पापा को कुछ काम आ गया तो पापा वहीं से ना निकल गए और मम्मी को बुआ जी के घर छोड़ दिया है। तो मम्मी का कॉल आया था तो मैं मम्मी को लेने जा रही हूँ, और मेरे साथ है मेरे दोनों क्यूट क्यूट से भांजी भांजी, और ये मेरी हम देवरानी जेठानी की जोड़ी है। आप बताना कि कौन देवरानी कौन जेठानी। और ये है बुआ सा और साथ में मम्मा, और मीनू दीदी कहाँ है? ये रे मीनू दीदी। तो ये मेरी भुआसा वाली फैमिली है पूरी। अरे इसको निकालो ना यार, बाहर निकालो ना। और ना ऐसे तो मम्मी बड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी कि चलो घर चलना है, वहां पर है ना बहुत सारी तैयारियां करनी है, शायद मम्मी को भी पता है कि कुछ चल रहा है। बट ना मम्मी यहाँ सीढ़ियों पर आकर रुक गई है। मम्मी और बुआ सा ना कब से बातें किए जा रहे हैं, देर हो रही है ऐसे कर करके, और कब से ना सीढ़ियों पर बातें कर रहे हैं। और अब जैसे तैसे गाड़ी तक पहुंच गए हैं तो ये गाड़ी के यहाँ खड़ी होके भी बातें कर रहे हैं। मतलब इनको ना ऐसे तो बड़ा लेट हो रहा था, और अब लेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, इनका ये ना हमेशा का यही। और ये देखो ये सबसे बड़ी दीदी है, वो भी अपने ससुराल से आ गई है। मतलब कुछ तो मतलब अलग ही करने वाला सीन है। और अपना है ना ये अपना मेकअप भी यही आके कर रही है। और मैं वो मम्मी को लेके आई हूँ, तब तक खाना भी बन गया है प्रॉपर। और ये देखो ये आ गया मेरा छोटा सा वंशु। और ये देखो ये क्या कढ़ी बनाई है, और साथ में है ये चटनी लहसुन और प्याज की शायद, और साथ में है चावल पुलाव तो मैं बना गई थी, और ये दीदी ने बाटी भी बना दी है, ये शायद आधी ना जगरे में बनाई है। और ये शुरू हो गया मेरी छोटी दीदी के नखरे, इनका ना अलग ही टशन चल रहा है। तो हम यहाँ पीछे बना गए थे रील बनाने। वो
वंशी है ना ब्लॉग बनाने के लिए ऊपर गया है। दीदी ने ना ये देखो हम आए पीछे ना, कितना अच्छा प्यारा वाला मौसम हो रहा है, और दीदी है ना जो रील बनाने के लिए आ रही है। ये दीदी आज फुल टेंशन में घूम रही है, और ओ कंजरा हमने ऊपर भेजा है कि हाँ ऊपर से रील शूट करेंगे, अलग वाला एंगल आएगा। जयपुर वाली दीदी है ना, उनकी ट्रेन है अभी, तो वो बेचारी ना उन्होंने इतनी सारे दिन भर मेहनत की, खाना वगैरह बनाया, बट अब वो ना सेलिब्रेट करने तक रुक भी नहीं पाई क्योंकि उनकी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो हम दीदी को स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं, और आज नटू चल जाएगी, वो सबको वाह वाही कर रही है। और ये देखो मौसम ना फिर पलट गया, अभी तक तो बहुत अच्छा वाला मौसम हो रहा था, बहुत अच्छा वाला सीन था, और अभी फटाफट से ना वापस से बारिश शुरू हो गई है। और देखो नटू है ना जो वंशु के पास नहीं जा रही है, हमें आने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, छोटी भी लेट हो रही थी, वो बहुत दूर जाना है उनको स्कूटी से, और बारिश वाला मौसम हो रहा है, अंधेरा भी हो जाएगा, तो वो भी बिना बर्थडे सेलिब्रेट किए चली गई। तो दुपट्टा नहीं लगाएगा बेटा सिर पे? नहीं लगाया? लगाया था, फिर कहाँ गया? चुप तो नहीं रहा, देखिए कैसा लग रहा है मेरे बेटा। अरे वाह, हो गया क्या रिद्धू बेटा? हाँ। रेडी देखे? अरे वाह, और ये देखो सरप्राइज किया, एक केक मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो एक केक मम्मी पापा के लिए, और एक केक नंदू की इकलौती भाभी हूँ मैं। और ये देखो फिर से ना बारिश ना शुरू हो गई, पता नहीं दीदी रास्ते में भीग गई होगी, वो स्कूटी से लग गई थी। और ये देखो अभी तक तो मौसम सही था, और सडनली अब ऐसा मौसम हो रहा है। और ये मेरी सबसे छोटी वाली बेटी, इसको इसकी बुआ ने रेडी कर दिया है, और ये ना डांस कर रही है, इसका डांस भी ना इसकी बुआ ने ही सिखाया है। इसका डांस का जो ना शॉर्ट्स मैं बना के डालूंगी, अभी कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा सॉन्ग का। तो और यहाँ पर है ना एक थीम बनाने की कोशिश की है, वो सब कि दोनों ने ना रेडी होके, दोनों पोती और दोईती दोनों ही ना उसकी दादू दादी की एनिवर्सरी है, तो ऐसे देखो ये रेडी होके ना माला लेके आएंगे, जैसे वो लेके आते हैं ना जब शादी वगैरह होती है, तो बट वैसे वाला थोड़ा सा सीन क्रिएट किया है, थोड़े से सॉन्ग वॉन्ग चला दिए, और यहाँ पर एक केक है रख दिया है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा है ना इसका भाई से बहुत ज़्यादा अटैच है, मेरे वंशु भाई से, वो तो देखो वंशु भाई के साथ सेल्फी वगैरह ले रही है। और ये फाइनली ये है मेरे सास ससुर जी, शायद पता नहीं मैंने किसी और व्लॉग में इनसे मिलवाया नहीं मिलाया, बट ससुर जी से पहली बार उस व्लॉग में है। ये इनकी 49th एनिवर्सरी है, अगले साल ना 50 ईयर्स कम्प्लीट हो जाएंगे। अभी ना मम्मा की ना स्माइल देखना। और ये फाइनली इनका थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था, और देखिए मम्मा की स्माइल देखो, मम्मी ना अभी भी शर्मा रही है। और ये मोना ने ना अपना उस उतार दिया कुछ सिर की पट्टी जो है वो। केक कटिंग के बाद अब मेरा बर्थडे केक कटिंग है। तो यहाँ पे देखो कैंडल है ना, इस कैंडल को जलाने की कितनी बारी कोशिश कर रहे थे, दो दो तीन तीन बार जलाने की कोशिश की, बट अच्छा नहीं था कैंडल, पता नहीं क्या था, जो कैंडल जला ही नहीं। और आज ना मैंने बिल्कुल ड्रेस सोचा था कि हाँ थोड़े सेलिब्रेशन के टाइम में थोड़ा सा चेंज कर लूँगी, बट मैं ना बहुत थक गई थी, मैं दो तीन बार ऐसे मार्केट के सराउंड लगा के आ गई थी, थोड़ा सा सुबह से खाना वाने में भी इधर उधर पच रहे थे ना, तो मैंने चेंज नहीं किया। और ये दीदी ने ना जो, और ये देखो कैंडल भी ना आज पता नहीं कैंडल तो क्या हो गया था, ये कैंडल भी नहीं जल रही थी, और ऊपर से ना जो वीडियोस है ना ये बनाए हैं वंशु ने, और वंशु ना बहुत झूम रहा था, गाने चला रखे थे, और वो डांस करते करते वीडियोस बना रहा था, तो खुद भी पूरा हिल रहा था, और साथ में ना जो वीडियोज भी पूरा मोबाइल भी पूरा हिला रहा था। तो ये आज के व्लॉग में ना पूरा पूरा ना ऐसा ही हिलता हुआ वीडियो आने वाला है। और फिर अब शुरू हुआ केक खिलाने का, केक पोतने का कार्यक्रम, तो सबका ना जो रंगे पुते से चेहरे हो गए थे, और ये है मामा, और मामा ना खाने में यूँ कर रही थी, मामा को लग रहा था उनका फेस ना वो कवर कर दूंगी। और ये अब बारी आई है दीदी की,
दीदी के नखरे देखो 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 दीदी के नखरे देखो, दीदी ने बिल्कुल ऐसे करी, नहीं नहीं मुझे जुकाम हो रहा है, मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी। और ये मैंने अच्छे से पोंछ दिया दीदी को। और ये देखो ये सारा जो ना वीडियो है ना पूरा वंशु कैसे हिला हिला के कर रहा, सारा ब्लॉग ना इसमें सारा ही ब्लर कर दिया।